दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए मेन रोड पे लोकेटेड एक और प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। अब की बार कालवाड़ रोड नहीं होने वाला है, अब की बार होने वाला है अजमेर रोड। तो देखिए यहाँ से मेन रोड आपको दिख रही होगी, जो कि यहाँ से कमला नेहरू नगर जो आपके बाईपास चढ़ रहा है वहाँ से पहले ही है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ हीरापुरा पावर हाउस, उसके सामने की साइड में मेन रोड पे लोकेटेड बहुत ही प्यारी टाउनशिप में आज आपको दिखाऊंगा। टाउनशिप का अगर नाम मैं बताऊँ आपको, पंचवटी श्री विनायक रेजिडेंसी के नाम से ये जो है टाउनशिप होने वाली है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ 3 BHK फ्लैट होने वाला है, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में मिलता है। और बैक फ्रंट साइड में आपको बड़ी सी बालकनी मिल जाती है, बैक साइड में आपको जो है गार्डन का एरिया मिल जाता है। सारे ही जितने भी फ्लैट्स मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे ही गार्डन फेसिंग के फ्लैट है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 कवर्ड पार्किंग मिलने वाली है। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा इसका मेन एंट्रेंस किस तरीके का है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर बाहर के साइड में एंट्रेंस में आपको किस तरीके का आपको पूरी ही गार्डन टाइप में बना करके दिया गया है। पूरी ग्रीनरी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलते हैं इसके मेन एंट्रेंस पे। तो ये हम लोग आ गए हैं इसके मेन एंट्रेंस पे। कुछ मेन एंट्रेंस इस तरीके का है, देखिए कितना खूबसूरत सा मेन एंट्रेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। अंदर की साइड में आपको विलाज भी हैं और फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं, पूरे विला भी हैं, फ्लैट भी हैं, सारी ही चीज़ें आपको अवेलेबल। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा वो 3 BHK फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ। और फ्लैट जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ्लैट के स्क्वायर फीट एरिया की, तो 1380 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है, जो कि 3 BHK है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का मेन एंट्रेंस है। और साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ अम्यूनिटीज़ के अंदर जो है आपको यहाँ पर 3 टाइप सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ बहुत अच्छा है। और मेन रोड से मतलब मेन रोड का प्रोजेक्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं पास में आपको जो है मेन रोड यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कि अजमेर रोड है और हीरापुरा पावर हाउस के जस्ट सामने की साइड है, कमला नेहरू नगर जो पुलिया है उससे पहले है। और बात करूँ अगर स्कूल्स की, तो यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि बहुत ही पास में है, और कॉलेज की अगर बात करूँ तो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज जो कि यहाँ से बहुत ही नीरेस्ट मिलने वाला है। अभी हम लोग डायरेक्टली चलेंगे इसके फ्लैट की ओर, तो आ जाइए। तो हम लोग आगे हैं फ्लैट्स की ओर, और फ्लैट्स का एलिवेशन एक बार आप प्लीज़ देख लीजिए, एलिवेशन किस तरीके का यहाँ पर आपको फ्लैट्स का मिल जाता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको 2 कवर्ड पार्किंग मिल जाती है, और साथ ही नीचे की साइड में ये जो आप पार्किंग का एरिया देख रहे हैं बहुत बड़ा स्पेसेस साइज़ में पार्किंग का एरिया आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है आपको वाटर टैंक का जो है प्रोविज़न मिल जाता है, जो कि 6000 लीटर का है, सभी का सेपरेट अलग अलग आपको वाटर टैंक प्रोविज़न दिया गया है, जो कि इस साइड में आपको बाहर की साइड में दिख रहा होगा अवेलेबल है। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको जो है गार्डन पूरा ही बना करके दिया जाएगा। सारे ही जितने भी फ्लैट्स हैं वो आपको जो है गार्डन फेसिंग है, क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ ही आपको बालकनी अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो है एमिनिटीज़ आपको अंदर की तरफ ही मिलने वाला है, मतलब यानी कि आपको जिम मिल जाता है, यहाँ पर आपको गार्डन एरिया मिल जाता है। बात करूँ कॉमर्शियल शॉप्स अंदर की साइड में अवेलेबल है, कवर्ड पार्किंग जैसे कि मैंने आपको बताया। और सबसे एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैन मंदिर और साथ ही यहाँ पर आपको बालाजी का मंदिर दोनों ही इस टाउनशिप के अंदर आपको मिलने वाले हैं। बात की जाए किड्स प्ले एरिया की, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही है। अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्टली फ्लैट की ओर, तो चलिए। तो ये हम लोग आ गए हैं पार्किंग की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको वाटर टैंक प्रोविज़न जो है सभी को अलग अलग दिए जाएंगे। और एक टावर की अगर मैं बात करूँ, एक टावर के अंदर आपको यहाँ पर 8 फ्लैट्स अवेलेबल होने वाले हैं। और ये जो है 64 आपको जो है आपके फ्लैट्स की टाउनशिप है, जिसमें से 50% जो है सोल्ड आउट है यूनिट्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ही जो है आपको पार्किंग का एरिया मिल जाता है। इजीली आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर बाइक पार्क कर सकते हैं, जो भी चाहे। लिफ्ट का प्रोविज़न आपको यहाँ सामने से दिया गया है, साथ ही यहाँ से स्टेयर्स का प्रोविज़न आपको मिल जाता है। पीछे की साइड में इस तरफ ही आपको एक बाथरूम दिया गया है, आपके जो गार्ड्स वगैरह रहेंगे उनके लिए नीचे की साइड में आपको एक जो है बाथरूम बना करके दिया गया है। अभी हम डायरेक्टली चलेंगे फ्लैट की ओर। तो ये हम लोग आगे हैं अब फ्लैट की ओर, और ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बता दूं ये JDA अप्रूव्ड जो है पूरा ही ये फ्लैट का जो भी है, ये टाउनशिप पूरी ही JDA अप्रूव्ड है। साथ ही बात करूं नक्शा पास बिल्डिंग है, 80% लोनेबल प्रॉपर्टी है और बहुत ही मतलब कम प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि अगर अजमेर रोड की मैं बात करूँ, मेन रोड पर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और आसपास में सारी ही एमिनिटीज़ आपको मिल जाती है। और मैं बात करूँ अगर फ्लैट के अपने बाहर की रोड की, तो 60 फीट की रोड आपको बाहर की साइड में अवेलेबल है। और पीछे की साइड में ऐसा आपने प्रोजेक्ट देखा नहीं होगा अभी तक, जहाँ पर आपको फ्रंट साइड में 60 फीट की रोड अवेलेबल हो और पीछे की साइड में आपको जो है गार्डन का एरिया मिल रहा हो, मतलब गार्डन फेसिंग का आपको जो है फ्लैट मिल रहा हो। ऐसा लगेगा जैसे किसी विला के अंदर आप जा रहे हैं, और प्राइस भी बहुत ही कम होने वाली है यहाँ पर अगर लोकेशन वाइज देखा जाए। तो यहाँ पर आपको लिफ्ट का प्रोविज़न मिल जाता है, इस साइड में आपको स्टेयर्स का प्रोविज़न मिल जाता है, जो कि आपको इसके 1st, 2nd, 3rd and 4th floor पर लेकर के जाता है। G+3 की ये बिल्डिंग है। और अब मैं आपको लेकर के चलूँगा इस खूबसूरत से प्यारे से
फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अगर मैं हॉल की बात करूँ तो 13x18 का साइज लगभग साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। सामने की तरफ वहाँ पर आपको वॉलपेपर लगा करके दिया गया है। ऊपर की साइड देखेंगे ऊपर वहाँ पर आपको मिल जाती है फुल सीलिंग डिज़ाइन जो कि बहुत ही प्यारी है, और साथ ही यहाँ पर लाइट्स का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही प्यारा करके दिया गया है। अभी बात करूँ हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पर आपको दो फैंस का ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, एक इस तरफ एक फ़ैन लगा करके दिया गया है एक इस तरफ, तो आप इस हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉल का साइज बहुत ही स्टैंडर्ड है। और जहाँ पर अपना लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया दोनों ही सेट कर सकते हैं। इस साइड में आपको वॉश बेसिन के साथ में सामने की तरफ मिरर बना करके दिया गया है, जितनी भी फिटिंग करके दी गई है सैराकी करके दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपका जो भी सामान है वो ये रख सकते हैं, वुडन का वर्क यहाँ पर भी आपको प्यारा सा करके दिया गया है। यहाँ पर हॉल के साथ में ही अटैच होते हुए कॉमन बाथरूम आपको मिल जाता है। और बाथरूम के साइज़ की बात करूँ तो 5x8 का साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सैरा की फिटिंग यहाँ पर भी आपको मिल रही है, शावर एरिया इस तरफ आ गया, वॉश बेसिन यहाँ पर है, और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इंडियन शीट लगा करके दी गई है। ऊपर की तरफ आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको अवेलेबल है जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वुडन डोर आपको अवेलेबल है। काफ़ी सारे फ्लैट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको प्लास्टिक के डोर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वुडन के डोर्स अवेलेबल है। क्वालिटी वाइज बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है। जिस जगह पर भी आपको एसी के सेपरेट पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ पर आपको सभी जगह पे एसी के सेपरेटली पॉइंट अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। प्राइस मैं आपको बता दूँ 46,90,000 रुपये इसका जो है प्राइस होने वाला है। अब मैं आपको दिखा दूँगा इसका फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम में मैं आपको धमाका दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो गार्डन फेसिंग का जो ये मैंने जैसे बताया था आपको ये फ्लैट होने वाला है, तो ये जो रूम है गार्डन फेसिंग के साथ में 11x12 के साइज़ में ये आपको रूम साइज़ मिल जाता है। सामने की तरफ आपको जो है बड़ी सी वार्डरोब है, इस तरफ आपको मिल जाती है बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। बिल्डिंग की अगर फेसिंग की बात करूँ तो ईस्ट फेसिंग की ये बिल्डिंग है, ईस्ट और वेस्ट दोनों फेसिंग पे आपको यहाँ पर जो है फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि 1300 और जो है 80 स्क्वायर फीट के अंदर बने हुए हैं। इस तरफ मैं बात करूँ यहाँ पर आपको वॉलपेपर लगा करके दिया गया है प्रीमियम क्वालिटी का। अभी इस फ्लैट में आप रूम के अंदर देखेंगे यहाँ पर आपको POP का वर्क करके दिया गया है, AC का सेपरेट पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। अभी हम लोग आ गए हैं इसके बैक साइड की बालकनी की ओर, जो कि 3 फीट की बालकनी का साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ये जो एरिया आप पीछे की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर अभी कुछ एक सामान पड़ा हुआ है वेस्टेज सामान, ये पूरा पार्क आपको डेवलप करके दिया जाएगा। और सबसे अच्छी एक चीज़ है, हर जो भी फ्लैट आप लेंगे उस फ्लैट से जो है आपको पार्क का व्यू मिलने वाला है। बहुत ही ग्रीनरी है, लेकिन अभी सामान थोड़ा बहुत इधर पड़ा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो भी वेस्ट मटेरियल था वो पीछे की साइड में रखा गया है, और जब भी ये डेवलप करके दिया जाएगा पूरा का पूरा पार्क आपको बना करके दिया जाएगा। तो ये आपने देखा इसका फर्स्ट बेडरूम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका सेकेंड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है, और अटैच बाथरूम मिल जाता है। 10.5x12 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको फुल सीलिंग मिल जाती है प्यारी सी, और साथ ही आपको फ़ैन का ऑप्शन, सीलिंग फ़ैन का ऑप्शन आपको अवेलेबल है। लाइटिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। साथ ही सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाता है, उस तरफ में विंडो का प्रोविज़न जो कि काफ़ी बड़ा है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहाँ पर भी AC का सेपरेट पॉइंट आपको अवेलेबल है इस रूम के साथ में, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही इस तरफ आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका बाथरूम जो कि अटैच में दिया गया है। 6x7 का साइज़ है, वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, वॉश बेसिन वहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहाँ से आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। ये आ जाता है इस तरफ में इसका शावर एरिया, जो कि आपको फिटिंग की मैं बात करूँ जगवार की फिटिंग यहाँ पर आपको करके दी गई है, ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। 46,90,000 रुपये इसका होने वाला है प्राइस। अजमेर रोड, मेन अजमेर रोड पे लोकेटेड है। अभी देखिए बड़ी सी आपको यहाँ पर आपको जो है मॉड्यूलर किचन दिखाऊंगा, सच में दिल खुश हो जाएगा आपका, कैसा लगेगा कि ये फ्लैट नहीं है ये एक विला है। अभी देखिए ये हम लोग आ गए हैं इसके किचन की ओर। किचन के साइज़ की बात करूँ तो 10x6 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है किचन का। ऊपर की तरफ आपको मिल जाती है ड्रॉर्स, नीचे की साइड में भी वार्डरोब्स के अवेलेबल है। इस तरफ आपको हिंडवेयर की चिमनी लगा करके दी गई है। बैक साइड में आप देखेंगे बड़ी सी आपको विंडो का प्रोविज़न जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। JD अप्रूव्ड मैं आज आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है सच में, और स्पेसेस साइज़ के साथ में मिल जाता है, मतलब 1380 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। तो आप वैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ्लैट आपको मिल रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में मिल रहा है, और 3 टाइप्स यहाँ पर सिक्योरिटी आपको अवेलेबल हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली सेफ नहीं है तो आपका माइंड एनी टाइम वहाँ पर लगा रहता है। एक ऐसी टाउनशिप लेकर के आया हूँ जहाँ पर आपको विलाज भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, मतलब एक थाली में सारी चीज़ें आपको परोस करके दी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस रूम की तो 10x12 का रूम साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इस साइड में आपको मिल जाता है वॉलपेपर, ऊपर की तरफ POP वर्क है, साथ ही यहाँ पर आपको जो है वाटर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। और स्लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है स्टोन की स्लैब आपको लगा करके दी गई है। इस रूम के साथ में भी अटैच में आपको मिल जाता है, देखिए AC का सेपरेट पॉइंट। अभी मैं आ गया हूँ
इसकी बालकनी की ओर, और बालकनी का साइज जो है बहुत ही स्टैंडर्ड और स्पेसियस साइज है, जो कि 20x4 का साइज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से पूरा ही सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं किस तरीके का सराउंडिंग एरिया। अभी पूरा ही डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है मेन रोड पर, टाउनशिप जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत 3BHK फ्लैट जो कि 1380 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको दिखाया 3BHK एक अजमेर रोड पे लोकेटेड फ्लैट। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो है हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं तो JKS आर्किटेक्ट आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल AR डिज़ाइन, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए हर रोज़ कुछ नक्शे लेकर के आते रहते हैं। आज और अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।